नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आरएनएफआई के साथ पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर बनने से क्या क्या फ़ायदे होंगे आपको, प्रीमियर बाइक के डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर बनने के क्या क्या फ़ायदे होंगे आपको, और एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, प्रीमियर बाइक और आरएनएफआई में मनी ट्रांसफ़र करने में कुछ एरर मैसेज आ जाते हैं आपको और आपके पैसे कट जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं या फिर पैसे नहीं भी करते तो उनको एरर शो करता है, तो काफ़ी दिक्कत आता है कि इस एरर का क्या मतलब है। तो आपको इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि जो भी एरर कुछ एरर कोड आते हैं उनका क्या मतलब है और किस तरीके से उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि आरएनएफआई का रिटेलर बनने से क्या प्रॉफिट आपको होने वाला है। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो अनेक प्रकार का अपना आईपीएस इस्तेमाल करते हैं, दिगर मतलब आरएनएफ पेनियर बाई हो, स्पाइस मनी, दिगर बहुत सारे कंपनियों का वो लोग आईपीएस इस्तेमाल करते हैं। मैं उनको ये राय देना चाहता हूँ, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार आप लोग अपना आरएनएफआई का भी रिटेलर आईडी इस्तेमाल करके देखिए, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा पाती है, मिनी स्टेटमेंट्स भी प्रोवाइड करा पाती है, यानी जो सर्विस आपको पेनियर बाई, स्पाइस मनी, दिगर आईपीएस कंपनी आपको प्रोवाइड करा पाती है वो सारी सर्विसें आपको ये भी अवेलेबल है, इसकी भी सर्विसें वहाँ पे मिलती हैं। बात कर लेंगे थोड़ी सी कमीशन की, तो आरएनएफआई का रिटेलर का कमीशन थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें, यानी कि आपको मैक्सिमम कमीशन इसमें 8 रुपया मिलता है। बाकी सब कंपनियों का तो आप लोग जान भी करते हैं कि कितना कितना मिलता है, लेकिन आरएनएफआई आपको 8 रुपया कमीशन देती है। और इसका सर्विस थोड़ा स्मूथ है, फास्ट है और काफ़ी ज़्यादा इनका सपोर्टिंग पावर ज़्यादा लगता है। मेरे को लगा है इनका एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि इनका सपोर्टिंग पावर, चाहे आप अगर किसी भी टीम के साथ जुड़ के काम कर रहे हो तो इनका सपोर्टिंग पावर बहुत अच्छा लगता है, या फिर आप मेरे टीम के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी जा करके आप बन सकते हैं। तो आरएनएफआई में भी अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो आरएनएफआई में आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना प्रॉफिट आपको चाहिए वहाँ पे। लेकिन जहाँ तक लेके चलते हैं तो पता चलता है कि हमारे जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं आरएनएफआई के, वो कहते हैं कि सर 1.5 से 2 रुपये तक बच जाता है, तो काफ़ी अच्छा है। और आप अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर के अच्छे तरीके से अपना वर्क करेंगे, रिटेलर बनाएंगे, तो आपका प्रॉफिट और ज़्यादा उसमें बन सकता है, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप में कमीशन ज़्यादा है, प्लस में इनकी सपोर्टिंग टीम भी बहुत अच्छी है, और आप चाहें तो मेरे टीम के माध्यम से भी जुड़ करके आप सपोर्ट ले सकते हैं। बात कर लेंगे इनका एक और सर्विस है आरएनएफआई के पार्टनर, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अहम इनका ये इसमें सर्विस है। पार्टनर बनके भी इनके साथ आप अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। पार्टनर बनते हैं तो आपके पास में ये पावर हो जाता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बना सकते हैं, आप रिटेलर भी बना सकते हैं, राइट। थोड़ी सी हम फोकस करना चाहेंगे, आप लोग अगर अपना ध्यान से अगर सुने इस वीडियो को देखें तो पार्टनर बनने से आपको फायदे ही फायदे हैं। पहला फायदा मैं आपको ये बता दूँ कि या ज़्यादा आपको समय खर्च करने की जरूरत नहीं है अगर आप पार्टनर बनते हैं। तो पार्टनर बनने के बाद आपको केवल आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना होता है, आप रिटेलर भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर पे रहता है तो जितना ज़्यादा आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर फिर आपके लिए वर्क करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी के वक्त में क्या है कि डिजिटल ज़माना है, आप जितना ज़्यादा अपना टीम डेवलप करें, आप जितना ज़्यादा अपना लीड जनरेट करें, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट आपको होती है। बनने से प्रॉफिट ये होता है कि आपके पास में ये क्वालिटी आ जाती है और आपके पास में ये पावर आ जाता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर भी क्रिएट कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करते हैं कम से कम 10 आईडी से। छोटा सा एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि अगर आपने 2 डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कर दिया है, एज ए पार्टनर बना आपने और 2 डिस्ट्रीब्यूटर आपने क्रिएट कर दिए, 2 डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि 20 आईडी, 10-10 आईडी से 2 डिस्ट्रीब्यूटर बन गई आपकी। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेंगे, रिटेलर क्रिएट करेंगे। अब उनका रिटेलर जो भी वर्क करेगा सर, जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे, वहाँ से पर ट्रांजेक्शन आपको अर्निंग कुछ ना कुछ आती रहेगी। कुछ ना कुछ का मतलब है कि इतना ज़्यादा अर्निंग आपको आएगा वहाँ से कि आप सोच नहीं सकते हैं। उसके और डिटेल्स के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पार्टनर बनने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, रिटेलर बनने के लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो पार्टनर में प्रॉफिट ज़्यादा है और सपोर्ट मेरे तरफ से, मैं अपने मेरे साथ जितने भी पार्टनर भी जुड़ के काम कर रहे हैं, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे रिटेलर हो, उनको मेरे तरफ से सपोर्टिंग में के मामले में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। आईडी का रेट आपको मार्केट से भी बहुत सस्ता मिलेगा, प्लस में कमीशन के बारे में मेरे तरफ से कोई किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं है। मार्केट में आप पता करके आएंगे कि कमीशन कितना मिल रहा है, उससे ज़्यादा ही कमीशन मैं आप प्रोवाइड करा पाता हूँ अपने पार्टनर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने रिटेलर को। तो अगर आप चाहते हैं कि आरएनएफआई का पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर मेरे से लेने के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से आप कांटेक्ट करके अपना डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर आईडी ले सकते हैं और अपने इनकम को ग्रो कर सकते हैं। बात कर लेंगे कि पेनियर बाई का डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर बनने के क्या क्या फायदे आपको हो सकते हैं। प्रीमियर बाई अपने आप में एक ब्रांड है, आरएनएफआई भी अपने आप में एक ब्रांड है, स्पाइस मनी अपने आप में एक ब्रांड है, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण एपीएस कंपनी है जो ब्रांड
ही ब्रांड है, इनमें किसी प्रकार की कोई शिकायत कोई कमी नहीं होती है और आप लोग बेझिझक ऐसे कंपनियों के साथ जुड़ करके आप अपना APS में करियर बना सकते हैं। आप पेनियर बाई भी एक ब्रांड के रूप में काम करती है और पेनियर बाई का जो डिस्ट्रीब्यूटर है रिटेलर है फुल्ली संतुष्ट हैं उनके सपोर्टिंग से उनके काम से। अगर आप चाहते हैं पेनियर बाई का डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर लेने के लिए बिहार एंड झारखंड में तो आप मुझे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, बात कर लेंगे कि पेनियर बाई RNFI मनी ट्रांसफर के संबंधित कुछ इधर आते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि सर मैंने मनी ट्रांसफ़र कर रहा था फलाई इधर आ रहा है या फिर पैसे भी कट गए या फिर कस्टमर के तक पैसे भी नहीं पहुंचे, तो मैं कुछ इधर है जिसके बारे में मैं आपको उससे डिस्कस करने वाला हूँ। उस इधर को आप ध्यान से देखेंगे और उसको समझेंगे। इस तरीके का इधर अगर आपका मनी ट्रांसफ़र करते समय आता है तो आप इसी तरीके से करेंगे तो आपकी समस्याएँ जो हैं वो सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके के कुछ इधर थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर इस तरीके का इरर भी आप लोगों के साथ आता है तो आप इस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि ये जानकारी आप सबों को अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। ओके थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सी।